सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर बांदा में आज सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने कटोरा लेकर शहर में भीख मांगी व सरकार की जमकर आलोचना करते हुए प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सपाइयों के ऊपर लाठी चार्ज किया व गिरफ्तारी की। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व घोषणा के तहत सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार बांदा मंडल मुख्यालय में सपाइयों ने कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगते हुए बीजेपी सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। सपा जिला अध्यक्ष की अगुवाही में सपाइयों ने शहर में भीख मांगते हुए अशोक लाट तिराहे पहुंचे व जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सपाइयों पर लाठी चार्ज कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुर्सियां टूटी व सपाई यहां वहां भागे। इसके बाद पुलिस ने कई सपाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया। पूर्व जिला अध्यक्ष समीर बानवी ने सरकार के विरुद्ध अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में लोग सड़कों पर आ गए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, यहीं पर केवल प्रदर्शन नहीं थे, पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के तहसील मुख्यालय में समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन था। आज 21 तारीख को माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पे और उनके आह्वान पे हम सब लोग समाजवादी पूरे प्रदेश की तहसीलों पे इकट्ठा हुए हैं। नौजवानों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है, बेरोजगारों की एक लंबी भीड़ इकट्ठा हो रही है। कोरोना के समय बहुत बड़ा देश को लूटा जा रहा है, बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है और झूठा महंगाई बढ़ाई जा रही है, झूठे कोरोना का भय दिखा करके लोगों को लूटा जा रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम किसान और जागरूक नौजवान भी शामिल हुआ, जो रोजगार के सवाल को लेकर के बेरोजगारी दिवस में भी आंदोलनरत था, वो भी यहाँ पर आया और सरकार की नीतियों के खिलाफ जो किसान विरोधी हैं, इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हरियाणा पंजाब चल रहा है, तो वो सारे लोग आज उसे मतलब अपने आप को जोड़े हुए हैं और उन किसानों के आंदोलन की भी हम लोग समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के समय स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितताएं, लूट, भ्रष्टाचार, महंगाई और हद तो यहां तक हो गई कि नौजवानों को इस देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के दिन बेरोजगारी दिवस मनाना पड़ा। ऐसा संकट पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने सड़कों में आंदोलन करने का काम कर रही है और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाना चाहती है।